जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। सो आज एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। सो पेपर जो था वो काफ़ी अच्छे लेवल पूछा गया था। जो नॉन मेडिकल के जो मेन सेक्शन रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, वो तीनों ही जो थे वो थोड़े से लेंथी पोर्शन में पूछे गए थे। बाकी साइकोलॉजी काफ़ी ईजी थी, जीके नॉर्मल था। और साइकोलॉजी जो है वो जितने हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, पेड बैच के स्टूडेंट्स थे, उनके लिए साइकोलॉजी बिल्कुल 99% जो है वो यहीं से पूछी गई थी। तो एक बार इसकी आंसर की को जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हम सीरीज़ बी को जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को जो चेक कर सकते हैं। कंप्लीट आंसर की रहेगी, पूरे पेपर की आंसर की आपके पास यहाँ पे दी जाएगी। 150 क्वेश्चन की आपके पास डायरेक्ट आंसर की जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रहेंगे। आप चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही जाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, एनल स्टेज जो था वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था थायराइड ग्लैंड जो है वो किसको कंट्रोल करती। तो मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अधिगम व्यवहार में कौन सा चेंज जो है वो लेके आता है। तो परमानेंट चेंज आता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था लघुकालीन स्मृति में कितने समय तक कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम होल्ड रख सकते हैं। तो लेस देन 30 सेकेंड, ऑप्शन ए जो था वो इसका राइट आंसर है। मिनिमम 30 सेकेंड तक होता है, तो लेस देन 30 सेकेंड इसके साथ मैच कर रहा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मैस्लो के सिद्धांत को ध्यान रखिएगा। मैस्लो ने इंटेलिजेंस की थ्योरी भी दी है, लेकिन इसकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ नीड कहा जाता है। 5 टोटल स्टेजेस थी वो मैस्लो के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे की, देखिए जीन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जीन पियाजे की जो थ्योरी थी वहां पे बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग किसके साथ जो है वो रिलेट करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो था आपके पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताया गया था कि आईक्यू आपको बताना है जब मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल है। देखिए आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब मेंटल एज अगर और क्रोनोलॉजिकल एज अगर सेम है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, आईक्यू डायरेक्ट आपका 100 आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी, ये अभी जो आपका पिछले कल पेपर हुआ था एचपी टेट जेबीटी का, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए इसका एनकोडिंग जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन है लॉ ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिए गए हैं। थॉर्नडाइक ने दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं और 5 इसके 3 इसके प्राइमरी लॉ दिए हैं, 5 इसके सेकेंडरी लॉ थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट है ईच एग शेल हैज क्रोमोजोम, तो ऑप्शन नंबर ए एक्स जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो रेवेन के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन किडन गार्डन विधि का प्रतिपादन किसने किया, पिछले कल का रिपीटेड क्वेश्चन है जेबीटी एचपी टेट में पूछा गया था, पिछले कल जो आपका पेपर हुआ उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये, तो फॉरबेल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर लेव बायोस की द डैश प्ले सिग्निफिकेंट रोल, तो देखिए सोशल की थ्योरी दी थी इन्होंने, सोशल की थ्योरी दी थी, तो सोशल आइसोलेशन ऑप्शन नंबर सी जो था वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्किनर की जो थ्योरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, वो जो है वो आपकी रेनफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पैब्लोग कहाँ के रहने वाले थे, तो रशिया के थे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच जो एसोसिएशन होती है उसी को हम लर्निंग बोलते हैं, उसी को सीखना कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी मनोवैज्ञानिक अवस्था जो सबसे अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है, यानी कि साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव। तो देखिए साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेड स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन बताया गया था, ट्रिक के साथ उनको लर्न भी कराया गया था, रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन था साइकोलॉजी शब्द किस लैंग्वेज से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से जो है इसको अडॉप्ट किया गया है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम बुंट ने 1879 में जो थी वो स्थापित किया था। नेक्स्ट था शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गेसोल्ट का मीनिंग क्या होता है, होल टू पार्ट होता है बेसिकली, तो ऑप्शन सी इसके साथ मैच कर रहा था। नेक्स्ट है जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु अमोंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी,
तो ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का जो राइट आंसर है वो है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका तूफान की ये जो है वो एडोलेसेंस को कहा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भाटिया बैटरी टेस्ट जो है इंटेलिजेंट टेस्ट के लिए चेक किया जाता है, 5 उसकी जो है वो टोटल सब टेस्ट उसमें बताए गए हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था, ये दिया था बिने के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो एजुकेशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, ये स्किनर के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, टू फैक्टर थ्योरी जो है वो स्पीयरमैन ने दी है और मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है वो आपकी थॉर्नडाइक ने दी है, क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, तो जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। एरिक्सन ने टोटल कितनी स्टेजेस बताई थी, तो टोटल 8 स्टेजेस जो थी वो उसके द्वारा बताई गई थी, जिसमें ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम, कुछ इस तरीके की एरिक्सन की थ्योरी थी जिसमें टोटल 8 अवस्थाएं बताई गई थी। ये साइकोलॉजी का हमारा पार्ट हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जीके के सेक्शन को, अच्छे लेवल का जीके पूछा गया था। यहाँ पे देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो अभी हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में वो कब हुआ, तो 9 से 10 सितंबर 2023 में हुआ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत हुआ 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन फाउंडर ऑफ यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन, तो मजनी, ऑप्शन नंबर ए जो था वो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेज, कितनी भाषाओं को जो आठवीं सूची में रखा गया, अनुसूची में रखा गया, टोटल 22 लैंग्वेज को रखा गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भाई दो ना पाई दो, ये जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन था रावि नदी का वैदिक नाम क्या है, तो पुरुषणी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बड़ा शिगली शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो किस जिले में है, तो ये आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है, ऑप्शन ए जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बाबा कांशीराम को पहाड़ा दा बुलबुल जो है वो किसने कहा था, तो सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन यहाँ पे बताया गया कि यूएनओ में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो हिंदी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। एनएसएस का मोटो क्या है, नॉट मी बट यू, अगर आपने एनएसएस रखा होगा स्कूल में तो आपको पता होगा, नॉट मी बट यू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डब्ल्यू टी ओ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका स्विट्जरलैंड जेनेवा में आपका पड़ता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्री तटीय भाग में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर था वो है आपका पारादीप, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 43 लिम्पा असरंग वन्य जीव अभ्यारण जो है वो, ये आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है एपिस मेलिफेरा, ये जो है ये हनी बी मधुमक्खी की एक प्रजाति है, उसके साथ ही रिलेट करता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कांगड़ा पंजाब के क्षेत्रों को 1 नवंबर 1966 में जो था वो मिलाया गया था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है ढांडरस जो है आपका जिला चंबा का नृत्य है, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है चंद्रयान 3, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन जो है वो जेबीटी पिछले कल का जो आपका एग्जाम था उसमें भी सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नेम ऑफ द रोवर ऑफ चंद्रयान 3, तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है आपका प्रज्ञान। विक्रम जो था वो आपका लैंडर था और प्रज्ञान जो है वो आपका रोवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन जो है वो कब पारित हुआ, तो 21 सितंबर 2023 में, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है धारा 370 को कब हटाया गया था, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है आपका नन ऑफ दीज, तो 11 दिसंबर 2023 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर जो है वो आपका बनना चाहिए। नेक्स्ट है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कई बार इसको पूछ लिया जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में जो स्कीम है एकल नारी आवास योजना के तहत जो विधवा और एकल नारियों को घर निर्माण करने के लिए
सहायता दी जाती है वो 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, रोहित ठाकुर। ऑप्शन बी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभी एक योजना शुरू की गई है, उस योजना का नाम रखा है हिम उन्नति योजना। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ इन इंडिया वो कौन है? CDS कौन है? भारत के अनिल चौहान है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन डी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय तो इनका नाम है कॉनराड सगमा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए लेवल कितना उठा दिया गया है, आपके जो ऑप्शंस के सरनेम हैं वो भी यहाँ पे सेम दिए गए हैं, तो जो भी अपकमिंग एग्जाम है तैयारी आपकी जो है वो थोड़ी एडवांस होनी चाहिए। यूरोपियन संघ की साझा मुद्रा क्या है? तो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहाँ पे यूरो जो है वो आपकी करेंसी चलती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोडल ऑफिसर कौन होता है नेचुरल डिसास्टर इन इंडिया में? तो जो सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, CRC जिनको कहा जाता है, ऑप्शन डी इसके साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपका हेग में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है वो अब हम मैथमेटिक्स सेक्शंस को कवर करेंगे, सीरीज बी को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैथ जो था वो थोड़ा सा लेंथी पोर्शन पूछा गया था, यहाँ पे सबसे पहले 61 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंग्रेंट रिलेशनशिप बतानी थी, सर्वांग समता जिसको कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था कि एक भैंस को खरीदा गया, फिर उसको बेच दिया गया, फिर एक गाय खरीदा उसको बेच दिया गया, तो टोटल जो इसमें लाभ या हानि आपको रहती है वो 400 रुपये का लॉस यहाँ पे रहता, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात की गई थी कि एक बच्चे को जो है वो 70% उसको मार्क्स चाहिए, पहले पेपर में 53 आए, दूसरे में 75 आए, तो तीसरे में उसको जो है वो 82 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, रिड्यूस अ रैशनल नंबर, तो उसको जो डिवाइड किया जाता है वो HCF, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, HCF इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आपका सिंपल, आपको सॉल्व करना था 7^-1, 8^-1 अपोन में आपकी वैल्यू जानी थी, और 44 ऑप्शन नंबर ए जो था वो इसका यहाँ पे राइट आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के 350 बच्चे थे, उसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, और आपको लास्ट में पूछा था कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं, तो 90 लड़कियां जो था वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहना था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक पहिए वाला क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 67 का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर आपके पास रहेगा। नेक्स्ट है 0.023, बेसिक क्वेश्चन था, किसके बीच में लाए करेगा, तो 0.02, आप इसको आगे जीरो भी लिख सकते हो, तो 20 से लेके 30 के बीच आपका ये आएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये HCF LCM से रिलेटेड क्वेश्चन था आपके लिए, कि टोटल 6250 बच्चे हैं, उनको जितनी लाइनें हैं उतने ही बच्चे वो होने चाहिए, तो 79 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे बनेगा, इसके आसपास 6241, और हमारे पास 9 बच्चे जो हैं वो पेंडिंग बच जाएंगे, तो 79 जो है वो ऑप्शन डी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना था, बोर्ड मार्क्स के मेथड थे, 110 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि कौन सा एक एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपका 22 जो है वो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो कर्व सरफेस एरिया आपको दिया था, सिलेंडर का रेडियस दी थी, हाइट आपको निकालनी थी, ये आपके फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आपके पास रेशियो जो आपके पास बनेगी फाइनल में पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो आपके पास बनेगी 36 और 6, ठीक है 36 और 6, क्योंकि यहाँ पे आपको फादर पहले दिया है और उसके बाद सन आपके पास दिया है, तो जब आपके पास लास्ट में पूछा है तो पुत्र और पिता की पूछिए, तो पुत्र आपने पहले लिखना है और फादर को बाद में लिखना है, तो 6 और 36 ऑप्शन सी जो है वो इसके इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एरर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि
एक में जो है वो सही उत्तर के लिए एक नंबर दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए हाफ मार्क्स कट कर लिया जाता है। तो उसके जो कुल क्वेश्चन उसने किए थे वो 100 क्वेश्चन किए थे, परसेंटेज या नंबर सिस्टम का बेसिक क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसका जो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 10 मीटर जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताया गया था कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, उसके वर्टिक्स आपको दिए गए हैं, तो इसका एरिया जो है वो आपका ऑप्शन बी रहेगा, 0 इसका राइट आंसर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी आपका एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 540 जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ए बी दिया था और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये आपका 98, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको आपको ब्रेक डाउन करना था पावर की केस में, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई के केस में, तो आपके पास 16^1/2 बचेगा और 1/2 मतलब अंडर रूट, तो 16 का अंडर रूट आपका होता है 4, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट था, यहाँ पे बताया गया था कि टू साइड आपको ट्राइंगल की दी है 7 और 9, और थर्ड लाइन जो है वो कहाँ पे आपकी लाई करेगी, तो 3 और 16 के बीच में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइन एंड कोस ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड आपका ये क्वेश्चन था, इसका जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी, 0 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने यहाँ पे जो है वो वैल्यू को भर के इसको काउंट किया, जैसे कि यहाँ पे हम 45 भर देते हैं थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे 45 भर देंगे तो 45 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कोस 45 माइनस 45 0, ठीक है, तो कोस 0 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी होती है, वो भी आपके पास 1 होती है, ठीक है, तो 1 में से बन गया आपके पास 0 जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहना था। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला जो है वो भी इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका एपीजीपी का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1265, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। SN का फॉर्मूला आपको यूज करना था, SN का फॉर्मूला होता है आपके पास n/2a+l, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, इस मेथड से आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, मिनट हैंड आपको दी गई थी 5 सेंटीमीटर की, और 6/5 से लेके 6/40 तक जितना एरिया वो कवर कर रहा है वो इसको आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए 45 5/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी आपको बतानी थी नॉन लीप ईयर की, तो देखिए 53 का हम प्रॉपर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन 52 के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, तो 1/7 मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिविजिबल रूल था आपको चेक करना था, तो 6 जो है वो इसका आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको मेथड से भी कर सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इसका जो राइट आंसर है वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर इज कट इन टू सेवरल स्मॉल पीसेस, 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर बना दिए और एरिया जो है वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, तो ऑप्शन ए उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो 56 सेंटीमीटर आएगी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, यहाँ पे मैगजीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि 300 रुपये जो है वो 10 वर्ग सेंटीमीटर के लिए हम जो है वो देते हैं, तो यहाँ पे बताना था कि टोटल खर्चा जो है वो कितना आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 5400, ये ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है, इसका खर्चा आना था। नेक्स्ट, रेक्टेंगल में आपको जो है वो पैरीमीटर बताना है, तो 34, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, पी क्यू आर टी आपको दिए थे और फोर्थ क्वाड्रेंट आपको बताना था, तो क्यू एंड आर, ऑप्शन बी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे मैथमेटिक्स के। नेक्स्ट जो है वो अब हम फिजिक्स के सेक्शन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले 91 क्वेश्चन है यहाँ पे फिजिक्स का, इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारे राइट आंसर यहाँ पे रहेंगे। डायनेमो डिवेल्प करता है 0.5 एम्पियर एंड 6 वोल्ट, तो पावर कितनी आएगी, डायरेक्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना था, तो 3 वॉट, ऑप्शन बी जो था वो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट, एक ट्रॉली वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको एक्सेलेरेशन बतानी थी, तो आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका आप यूज कर सकते थे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे लगना था, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली से रिलेटेड इक्वेशन कौन सी है, तो एच बाय एम बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है,
कौन सा अपवर्तक सूचकांक का मात्रक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ध्यान रखेंगे रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेन, ये तीन ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके कोई भी यूनिट नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, घरों में जो बिजली आती है वो देखिए 220 वोल्ट की आती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आती है, वो 50 की आती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, न्यूट्रल एटम में जो होते हैं वो आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपके ग्रेटर देन वन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट जो है वो आपके 6.62 × 10⁻²⁷ अर्ग सेकंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, बायोंट फोर्स डिपेंड किसके ऊपर करती है, ऊपर की तरफ उठाती है, डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर, ऑप्शन इसका बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पीकोमीटर किसके इक्वल है, तो 0.001 नैनोमीटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बतानी थी कि अगर मास को जैसे एक मास ऑफ बॉडी है उसको कहीं और पे अगर हम लेके जा रहे हैं तो मास जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट रहता है, वो हर जगह पे सेम रहता है, ऑप्शन बी जो था वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम कंप्लीट कर रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये, आपको फ्रीक्वेंसी बतानी थी यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो 1000/5 कर देंगे, आपके पास 200 हर्ट्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलेट करता है, ठीक है, रेस्ट से पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1600 वोल्ट, तो आपको वेलोसिटी बतानी थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.37 × 10⁴ m/s, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो उसका वेट क्या करता है, इंक्रीज करता है, ऑप्शन ए जो था वो इसका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, वो जो सेपरेट करती है, अगर आपने कूलम्स लॉ का अगर फॉर्मूला पढ़ा तो आपको पता होगा कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 1/r² आना था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 2 इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट था यहाँ पे, टेस्ला से रिलेटेड आपको एक इक्वेशन रिलेशन आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज एकम्प्लिश्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कहा था ये ऑस्ट्रिच ने कहा था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, 10 एम्पेयर जो किसके इक्वल आएगा, तो 10 कूलम पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में वो होती है 1/√μ0ε0, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये, और इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 3/2 जूल। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², लेकिन अगर आप इसको मोमेंटम के केस में अगर चेंज करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 mv² एंड डिवाइडेड बाय m से आप मल्टीप्लाई करेंगे, m से आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 1/2 mv² एंड डिवाइडेड बाय m, तो 1/2 एज इट इज रहेगा। mv का मतलब होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम आपके पास दिया 3 का स्क्वायर, तो 3 × 3 में लिख सकता हूँ, और मास आपके पास 3 दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 और नीचे आपके पास 2 बचा, तो 3/2 आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सन का टेम्परेचर मेजर किया जाता है पायरोमीटर से, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है वो पायरोमीटर होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एम्पेयर आर इज द यूनिट ऑफ, ये आपका रहेगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्योंकि फॉर्मूले से आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होता है I is equal to Q upon T, I के यूनिट होते हैं एम्पेयर, और इसके आएंगे कूलम, और इसके आएंगे, ये आपके पास चार्ज ही रहने दो, और टाइम के यूनिट आप R भी लिख सकते हो, ठीक है, तो चार्ज आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एम्पेयर R के इक्वल आ जाएगा, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फॉर्मूले से आप इसको इजीली निकाल सकते हो, SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्स के क्या होते हैं, इंडक्टेंस के हेनरी होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ प्रोटीन प्रोटोन इज अप्रोक्सीमेटली, तो कितने टाइम लार्जर होता है ये, 1800 के आसपास होता है, 1800 टाइम्स जो है वो लार्जर होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था,
तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है रो एल बाय ए। इस फॉर्मूले से आपने इसकी रेशो कैलकुलेट करनी थी, 5:8 जो था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 डायोप्टर कि जो आपको फोकल दूरी आपको यहाँ पे निकालनी थी, फोकल लेंथ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो लेंस दिए गए थे -2.5 के और 3.5 डायोप्टर के, दोनों को कंबाइन किया तो दोनों को ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 डायोप्टर आपके पास आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते थे कि कब आपका टेम्परेचर जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है, फारेनहाइट और सेल्सियस में, तो 160 के ऊपर, 160 से वो आपका जो है वो 332 डिग्री के आसपास निकल के आता, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हैवी हाइड्रोजन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 न्यूट्रॉन जो है वो उसमें आपका होता है। नेक्स्ट केमिस्ट्री के सेक्शन को कवर करेंगे, थोड़ी सी मेरे को जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी एडवांस यहाँ पे लगी, बेसिक क्वेश्चन भी पूछे थे लेकिन केमिस्ट्री हर बार नॉन मेडिकल के पेपर में कुछ एडवांस लेवल से ही पूछी जाती है। तो यहाँ पे 121 क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन आपको बताने थे 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, तो इसका जो राइट आंसर है वो 6.022 × 10^20 आयन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एलिमेंट स्टोर्ड इन वाटर, बेसिक क्वेश्चन है, फॉस्फोरस रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम सॉल्यूशन, तो उसका जो आपके पास इक्वेशन आपके पास बनती है वो आपके पास ये बनेगी कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ, CO2 के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास बनता है वो CaOH2 हमारे पास बनता है, ऑप्शन नंबर डी जो था वो यहाँ पे राइट आंसर आपके पास रहेगा, ठीक है। और जब CaOH2 को हम CO2 के साथ सॉरी मिक्स करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको मैच करने थे तो एक, अगर आप किसी एक को अगर मैच कर लेते तो डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन जो था वो बन जाना था, जैसे फिनॉल फ्लिंज आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा वो पिंक कलर वाला +2 में, ठीक है, तो सी का जो है वो आपका एस बन रहा है, तो सी का एस सिर्फ यहीं पे है आपका, बाकी किसी भी जगह पे नहीं है, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आपके पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेटमेंट जो है वो एवोगैड्रोस लॉ की है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH, तो इसमें 250 ml सॉल्यूशन टोटल जो था वो बनना था, इसकी मोरेलिटी 0.4 mol जो था वो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द ब्रॉन्स्ड बेस NH2-, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे पी और एस आपको दिया था, फॉस्फोरस एंड सल्फर आपको बताने थे क्या थे, तो आइसोटोन्स थे ये, आइसोटोन में क्या होता है आपके डिफरेंट जो है वो आपके पास एलिमेंट रहते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर आपके पास रहेगा लेकिन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास रहते हैं, तो वो आइसोटोन्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी थी KO2 के लिए, सल्फाइड के केस में ऑक्सीजन की -2 जो स्टेट है वो नहीं आती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पॉजिटिव वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सोएनायन ऑफ क्लोराइड डू नॉट अंडरगो डिसपोटेशन रिएक्शन, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, Cl(O)-, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट था, इसमें कहा गया था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन एसोसिएट विद वेव करेक्टर, तो ये इक्वेशन किसके साथ रिलेट करती, डी ब्रोगली के साथ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है, इसमें कहा गया था कि जब हम यहाँ पे आपको बताना है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एथैल्पी किसके पास होती है, तो वो होती है क्लोरीन के पास, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, नॉन मेटल लिक्विड कौन सी होती है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूव गैंग पार्टिकल अगर हमें रिमूव करने हैं तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है उसका हमें यूज करना पड़ता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, व्हेन कॉपर वेसल को एक्सप्लोज करते हैं हम लंबे टाइम के लिए एयर में तो उसका जो रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है वो यहाँ पे आंसर इसका अभी तक मेरे को नहीं मिल पाया, तो इसलिए अभी हम इस क्वेश्चन को होल्ड करेंगे और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर मैं आपको बता पाऊंगा। नेक्स्ट है,
बिलो मेंशन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इसका जो राइट आंसर आपके पास रहेगा लार्जेस्ट एटॉमिक साइज के लिए सोडियम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल इफेक्ट किसमें शो नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे वो ट्रेंड स्टार्च का ऑप्शन आता है इसलिए, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट सब्लिमेट, तो NaCl को हम सब्लिमेट नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि एक स्टेज से दूसरी स्टेट में जब हम जाते हैं तो बिना किसी एक स्टेज को, जैसे कि सॉलिड से अगर हमें गैस में जाना है तो डायरेक्ट अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे सोडियम क्लोराइड ऐसी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना था मैग्नीशियम नाइट्राइड का, इसका आपके पास राइट आंसर रहेगा Mg3N2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम गैस इज फिल्ड, तो सिलेंडर में 2 लीटर कैपेसिटी के साथ फिल की गई, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 2 mol। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉन्ज जो है वो आपका मिक्सचर होता है, एलोय है, कॉपर एंड टिन का काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन ऑफ हायर एल्केन ऑन हीटिंग ऑन हाई टेम्परेचर इंटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पायरोलिसिस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको एक इक्वेशन दी गई थी, यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इसको हम होल्ड रखेंगे, ऑफिशियल आंसर पीसेस को एक बार चेक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टॉक्सिक, जो सड़े हुए अंडे की तरह जो है वो गंध निकलती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे बताना था कि कौन सी चीज़ जो है एज अ प्रोडक्ट आपको जो है वो मिलती है, तो एक बार इस क्वेश्चन को भी हम होल्ड रखेंगे। केमिस्ट्री के टोटल 3 क्वेश्चन अभी हमने होल्ड पे रखे हैं, इसको जल्दी नेक्स्ट सेक्शन में इसको जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो भी हमारी डिटेल्ड वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा कि किस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमने जो है वो निकाला है विद सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन के साथ, उसमें हम उसको चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसमें आपको इक्वेशन बतानी थी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, जिसमें था एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 147, तो यहाँ पे आपको कॉपर एटम की कन्फिग्रेशन बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर ए आर्गन 3d10 4s1, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे फिट भी कर सकते हैं कि डी में कितने आते हैं, एस में कितने आते हैं, पी में कितने आते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 148, तो इलेक्ट्रॉन्स की आपको वैल्यू बतानी थी, यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 9.1 × 10⁻²⁸ इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एनिलाइन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलाइन वाटर मिक्सचर, तो उसको हम किससे सेपरेट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से उसको जो है वो हम सेपरेट करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था आज का, समुद्री जल से लवण को अगर निकालना है तो इवेपोरेशन का हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट HPTET नॉन मेडिकल का आपका पेपर रहता है, जिसमें हमने 147 क्वेश्चन की कंप्लीट आंसर की मैंने आपको शेयर कर दी, 3 क्वेश्चन अभी मैंने होल्ड पे रखे हैं, जल्दी उनका आंसर जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा उनको सॉल्व करते ही। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने आपके मार्क्स जो हैं वो बन रहे हैं। अगर पिछले पेपर के कंपैरिजन देखा जाए तो साइकोलॉजी इजी पूछी थी पेपर में, लेकिन जो आपका मैथ एंड केमिस्ट्री का सेक्शन था या फिजिक्स का सेक्शन था, बेसिकली हम मैथ को ही प्रेफर यहाँ पे करेंगे, तो मैथ जो है वो पिछले पेपर के एग्ज़ाम में जो है वो मेरे को लगता है कि 60-70% एडवांस लेवल का जो है वो पूछा गया था। एडवांस तो क्या हम बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग था, जिस वजह से प्रॉपर टाइम हम सारे सेक्शंस को नहीं दे पाए। तो एक बार कमेंट आप ज़रूर करें कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।